Hey guys, कैसे हो आप सब? I hope आप लोग अच्छे होंगे। मैं ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। गाइज आज है 15 दिसंबर और गाइज आज मैं मतलब कि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो लाइफ में, या कुछ ना करूँ, या मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फाइनली अब जो फाइनल डिसीजन होगा वो अरुण के साथ ही होगा। तो वेट, मैंने अरुण को बुलाया बात करने के लिए क्योंकि मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ चल रही है अरुण की वजह से, और मैं नहीं चाहती कि लड़ाई आगे बढ़े। तो एक फाइनल डिसीजन पे आ जाना चाहिए हमें। तो वेट करते हैं उनके आने का। वैसे तो मैंने उन्हें कॉल वॉल कर दिया, मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, देखते हैं वो कितने देर में आते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉल करूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने देर से कॉल्स करे थे? अरे मैं ऑलरेडी कॉल से टायर किसी के। तो तुम्हें मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है क्या? मेरी लाइफ से मतलब है जब यहाँ पे, अदरवाइज मैं अपने घर पे होता। तो तुम इतने एटीट्यूड में क्यों बात करते हो? जब तुम्हें पता है ना मैं किस सिचुएशन में चल रही हूँ। तुम तो अपनी मजानी लाइफ जी रहे हो, अपने दोस्तों से जिंदगी काट रहे हो, मेरा क्या? अपने लवर को धोखा दो, हमें भी डार्लिंग मौका दो। यार तुमने ड्रामा लगा रखा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ से मजे लेने। पता नहीं कितनी दिन लड़कियों की जिंदगी तो तुमने ऐसी खराब करी होगी जैसे तुम मेरी कर रहे हो। मैंने तेरी जिंदगी क्या खराब कर दी? और मैंने किस लड़की की जिंदगी खराब? तो मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने किसी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। कितनी लड़कियों का साथ दिया तुमने ऐसा? जिनको जब प्रॉमिस किया है। बोलो बोलो। तुम्हारे तो अलग अलग मैसेज बढ़ते रहते, मेरे पास आने का टाइम नहीं। कल तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कल रात को अपने घर से निकल गई थी, इसलिए मैं तुम्हें कॉल पे कॉल करती। मिस कॉल देखना मेरे कितने। तो तुम कहाँ थे उस टाइम? क्लब में सो रहा था। क्लब में थे तुम? सो रहा। तुम झूठ कह रहे हो। मैं नहीं करता यार ये सब। क्लब में था, ये था। तेरे को पता है मैं कब कब ब्रेकफास्ट भी रखता हूँ मंगलवार को? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। तुझे नहीं पता ना, हनुमान जी का भक्त हूँ, मंगलवार को व्रत रखता हूँ और कल मंगलवार था, तो मैं इन सब जगह नहीं जाता और ना मैं वो सब करता। कल मंगलवार नहीं था, पहली बात तो कल बुधवार था, सॉरी गुरुवार, सॉरी गुरुवार था। तो इतना झूठ मत बोलो। हाँ मतलब परसों। अपना तो कुछ लेना देना नहीं है। ये एक चीज बता दिया यार, मैं अपने घर से भाग जाऊंगी, मैं कहीं जाके सुसाइड कर लूंगी, मैं साफ बता रही हूँ। क्यों करेगा बाबू ये सब चीजें? क्यों हो रहा है? प्रेशर क्यों पड़ रहा है इतना हमारे ऊपर? मुझे ये समझ मेरे ऊपर पड़ रहा है यार, मेरे घर में रोज कलेश हो रहा है। तेरे को भाग ले मेरे साथ, आऊं भगाने है दम। खिलाफ नहीं जाना चाहता क्योंकि तेरे पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। और यार क्या पता वो मान जाए बाद में। ऐसा नहीं होता ना, एक बार पता है इज्जत कमाने में ना सालों लग जाते हैं और गवाने में एक सेकंड नहीं लगता। तो ये चीज सोचो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो मैं क्या करूँ? तो तुम मुझे छोड़ दो यार। तो मैं तुझे नहीं छोड़ रहा। तो फिर ऐसा नहीं होता यार, कुछ भी चीज की छोड़ दो ये हो, ये सॉल्यूशन नहीं है, समझ रही है? हर किसी भी चीज का ये सॉल्यूशन नहीं है। तो छोड़ दो ना मुझे फिर। वो यार फिर वो तेरा माँ बाप, तेरे माँ, तेरे घर वाले तेरा कब से साथ दे रहे हैं, समझ रही है? तेरे को एक चीज पता है ना, दोस्ती बड़ी होती है ना प्यार बड़ा होता है। जो टाइम पे साथ दे दे ना वो इंसान बड़ा होता है। तो जो तेरे साथ खड़ा हुआ है ना हमेशा, भी साथ नहीं दे रहे हो यार। मेरे को ना सबसे रिटेड ये चीज करती है, तू ना हमेशा बीच में बोल देती है और मेरी इसी चीज पे किलसती है। क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है? तुमने तो कुछ सोचा ही नहीं है कभी। सब सोच रखा मैंने, तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है। बस हर बार दिमाग खराब करना, बस आगे सुना के चले जाना है, सुना के चला जाना, ये कर जाना, वो कर जाना, ये करना, वो करना, ये ना। तो ये सब लगता है बहाना, ठीक है? लड़कियों की क्या आदत होती है, लड़कियों की आदत होती है पे 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 पे। मुझे ये हो गया बाबू, अगर उन्हें मच्छर भी काट देना उनकी उंगली कटी हुई लग जाती है, बाबू ये हो गया वो हो गया। हम लड़के पता कैसे होते हैं, दर्द सहना में खुद को होता है तो हम बता के ना जताते नहीं है, फिर दूसरों को बताकर जताते नहीं है, समझ रही है? क्योंकि हम लड़कों को पता होता है कि दर्द हमें खुद सहना है तो दूसरों को बताकर तमाशा क्यों करना। और लड़कियां छोटी सी भी चीजें हो जाती है तो उसको बड़ा बतंगड़ बना देती है, बट हम लड़के अपने अंदर रखते हैं चीजों को। तो ये छोटी चीज है ना तुम्हारे हिसाब से? तो तुम जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? फिर जाओ अपना काम करो। मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं तो ये बोलूं तूने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन तुम्हारी है दम मुझे भगाने का। तेरे हर डिसीजन पे मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारे अंदर दम है मुझे भगाने का? बहुत दम है। अरे बाद में ही मत बोलना। बहुत दम है,
बता तो दिया, अगर वही चीज है ना, अगर अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, अगर मैं एक और डिप्रेशन से निकल गया ना तो बहुत लोगों को डिप्रेशन में डाल दूँ, समझ गई? तो मैं अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ वहाँ पे कि हमें क्या करना है। हाँ, अब पॉइंट आया ना कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है। तू जो भी डिसीजन लेती है तो समझ के लियो, और आई होप कि तू अच्छा डिसीजन। मैंने डिसीजन ले लिया, अगर तुम्हारी गांड में दम मेरे साथ जिंदगी भर रहे, पहले तो मेरे से तमीज से बात करा कर ना। मेरे को ऐसे गाली देने वाली लड़कियां पसंद है, और ना ये तरीका बात करने का लेवल है, लेवल पे आके बात करा कर। मुझसे भी इस तरीके से बात मत करा। मैं तुझे गाली दे के बात नहीं करा एक बार भी। डोंट शाउटिंग मी। तेरे को जो करना है कर, ठीक है? हमेशा बदतमीजी होती है, हमेशा बदतमीजी होती है। चूतिया हो गया मैं यहाँ पे? यहाँ दम है, वहाँ दम है। मेरी बात सुनो। खाना खाती है क्या तू? गांड से दम दिखा रही है जो? मेरी बात सुनो, मेरी कसम है, इधर आओ। अरुण, तुम्हें मेरी कसम है, वापस आओ। अरुण, क्या है? क्या ड्रामा करके गए हो ये? अबे तो मेरे से बदतमीजी से बात क्यों? तो धीरे से बोल सकते हो ना, और भी लोग हैं ना यहाँ पे, मैं अकेली तो नहीं बैठी हुई। और भी लोग हैं तो क्या बैठो यहाँ? हद है यार, बस इसी खेल बना रखा है ये। नहीं, तुमने कभी कुछ सोचा है? तुमने तो बस हाँ बाबू मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बाबू ये करता हूँ, बोल दिया ना तेरा जोड़। बस बेड पे ही सबका प्यार दिखता है क्या? वैसे नहीं दिखता किसी लड़कों का प्यार। अगर बेड पे प्यार दिखता होता ना तो 500-500 रुपए में प्यार बाजारों में बिकता नजर आता है, ठीक है? तेरे जिस्म से नहीं, रूह से प्यार है, इसलिए तेरे साथ हो अभी तक। और अब भी ये बोल रहा हूँ कि डिसीजन, हाई डिसीजन पे साथ रहूंगा, ये नहीं कि पीछे मुंह फेर के भागूंगा, समझ आ रही है? तो डिसीजन तो ले लिया ना मैंने, तुम अपना बताओ ना। करके दिखा, बात खत्म, बोल दिया ना। कर, मैं अकेले थोड़ा करूंगी, तुम भी तो साथ होगे ना मेरे, कि मैं सब अपने ऊपर थोड़ा ले लूंगी। अभी मेरे से बात मत कर, मैं नहीं, तो ये जो करना है कर ले, अभी मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं करनी बात, प्लीज। मैं बोल चुकी ना, मैं भाग रही हूं, तो मैं अकेले। भाग ले, भाग ले, बोल दिया। अपने मां-बाप के रिस्पेक्ट अगर तू गवा सके, मगर मैं, तू ये सोच रही है कि मैं भागूं, मैं अपनी फैमिली छोड़ के भागूं, मैं वो नहीं करूंगा। तू आ जा मेरे घर पे, रह ले, मोस्ट वेलकम है। तुम आओगे मेरे को घर पे? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। तुम्हें किसी से मिलने जाना है क्या? जो तुम्हें इतनी जल्दी आ रहा है, मम्मी का फोन जा रहा है। मैं भी तो अपने घर से झूठ बोल के बैठी हूं ना यहां पे, सुबह काम करना है, ठीक है? 50 काम होते हैं मुझे। कदी ना कदी फिर मिलेंगे।